नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी। और जो आज हमारी पाठ संख्या 3 है उसका शीर्षक है इंद्रधनुष और बूंदे। हमने अपने पिछली 3 जो वीडियो थी हमने उसमें इस पाठ को कवर किया है। इंद्रधनुष और बूंदे को हमने इसमें किया है। भाग 3 भाग हम बना चुके हैं, आज चौथा भाग हम करेंगे। इसमें पहले मैंने आज आपको फॉर्मेट कल की वीडियो में भी बताया था, मैं आज आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जब आप फॉर्मेट बनाते हो तो आप इस तरीके से पाठ संख्या, पाठ का नाम और फिर आप उसमें क्या कर रहे हो, व्याकरण कर रहे हो तो आप व्याकरण लिखेंगे। अगर आप व्याकरण नहीं यहाँ पे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं या शब्द अर्थ कर रहे हैं, शब्द ज्ञान कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो आप वो यहाँ पर तीसरी लाइन में लिखोगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से एक स्केल और पेंसिल से एक लाइन लगाओगे। उसके बाद जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहाँ पर आप पेंसिल से एक लाइन लगाओगे और इधर आप एक लाइन लगाओगे, एक लाइन इधर लगाओगे, एक लाइन इधर लगाओगे और ऊपर इस तरफ आप ग्रह कार्य लिखोगे, यहाँ पर आप ग्रह कार्य लिखोगे और इधर आप दिनांक और दिन लिखोगे। इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्मेट होगा और उसके बाद आप आगे काम करना शुरू करोगे। तो ये हमारा रहेगा आपका फॉर्मेट। कल हमने र के बारे में पढ़ा था, र के विभिन्न रूप पढ़े थे हमने कि हमारे र के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, कल हमने वो किए थे। आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, संज्ञा शब्द कौन से, संज्ञा क्या होती है हमारे, जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम के बारे में बताए, किसी की पहचान हमें कराए, भाव को बताए, वो हमारी संज्ञा होती है। किसी भी जगह का नाम मैंने बताया था, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो हमारा संज्ञा होता है। किसी जाति का जो बोध कराए वो भी हमारी संज्ञा होती है। किसी भाव को बताए वो भी हमारी संज्ञा होती है। तो उसकी विशेषता बताए, जैसे मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है वो मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, तो वो उनके रंगों की विशेषता बताता है, उनके शरीर की बनावट को बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, कोई बुद्धिमान है, तो जो उनकी विशेषता बताता है वो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है। तो विशेषण क्या होता है हमारा, विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा विशेषण कहलाता है। विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्द शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा शब्द, संज्ञा अभी मैंने आपको बताया संज्ञा क्या होता है हमारा, किसी भी नदी का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। अगर मैं लिखूं राम लंबा लड़का है, तो राम के बारे में उसने क्या बताया है, लंबा, उसने लंबा बताया है कि राम कैसे है, लंबा लड़का है। राम एक लड़का है तो वो नॉर्मल बात करता है, वो एक वाक्य बताता है, पर उसने बताया कि एक लंबा लड़का है, तो लंबा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। या ये कहे राम काला है तो काला क्या हो जाएगा हमारा, अगर वो कहता है काला लड़का है, अगर वो काला कहता है तो काला क्या हो जाता है, हमारा विशेषण हो जाता है। इसी तरीके से कुछ इन्होंने आपको विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जैसे सुंदर, लंबा, छोटा, नाटा, काला, गोरा, ये कुछ हमारे विशेषण शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए।
उसके बाद आपको पार्ट आओ करे छह दिया गया है आपका, आओ करे छो। इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसने कहा है कि जो भी पाठ में विशेषण शब्द आए हैं, हमने इंद्रधनुष और बूंदों को पढ़ा था जब वो अपनी सुंदरता पर घमंड करता है, तो जितने भी आपको लगता है कि ये इसके विशेषण शब्द है, ये इस चीज की विशेषता बता रहे हैं, आपको ऐसे 10 विशेषण शब्द लिखने हैं आपको आओ करे छ में। उसके बाद आओ करे सात है, आओ करे सात में इसने क्या कहा है, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। इसने क्या कहा है, उसने कुछ विशेषण कुछ शब्दों को दिया गया है और उसमें से आपसे पूछा गया है कि विशेषण शब्द कौन सा है, और जो विशेषण शब्द सही है आपको उस पर चिन्ह लगाना है। इसने पहला आपको बताया है आओ करे साथ में, इसने पहला आपको बताया आकाश काला और नीला। तो आकाश कैसा होता है, नीला होता है, आकाश काला नहीं नीला होता है, तो नीला शब्द है वो क्या रहेगा, इसका विशेषण शब्द रहेगा। फिर बच्चा, अब बच्चा कैसा है, प्यारा होता है या आसमानी होता है, इसने पहला हमें दिया है आसमान, आसमान की विशेषता हमसे पूछी गई है, आसमान कैसा होता है, नीला। जब भी हम कभी ड्राइंग करते हैं और उसमें हम कभी भी कलर करने की कोशिश करते हैं तो आसमान में हम कैसा कलर करते हैं, नीला कलर करते हैं, आसमान कैसा होता है हमारा, नीला होता है। इसी तरीके से इसने बच्चा पूछा गया है, बच्चा कैसा होता है, बहुत ही प्यारा होता है बच्चा, तो प्यारा शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है उसके बचपन की, कि जब भी छोटा बच्चा होता है तो वो सबको अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। फिर इसने कहा है पत्ता, अब पत्ता आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी अगर पेड़ का हम पत्ता देखते हैं तो वो कैसा होता है, किसी किसी पेड़ के होते हैं पत्ते पीले होते हैं, किसी के हरे होते हैं, मीन्स अलग अलग रंग में होते हैं, पर यहाँ पर जो हमें विकल्प दिया गया है वो हमें क्या विकल्प दिया है, इन्होंने हरा दिया है और सफेद दिया है। तो पत्ता यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, हरा रहेगा, कि पत्ता है वो कैसा होता है हमारा, हरा होता है। एक बार फिर से मैं आपको इनको रिवाइज करा देती हूँ, देखो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा शब्द क्या होता है, कोई भी नाम है, जैसे हमने अभी वो पढ़ा था राम लंबा लड़का है, हमने अभी अभी उदाहरण लिया था, तो राम हमारा संज्ञा है और वो संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है, उसकी लंबाई के बारे में बता रहा है कि वो लंबा लड़का है, मीन्स नॉर्मल हाइट होती है और लंबा क्या होता है, उस नॉर्मल हाइट से थोड़ा जो ज्यादा होता है उसको हम लंबे में काउंट करते हैं, तो उसने क्या कहा है, राम एक लंबा लड़का है। इसी तरीके से इसने आओ करे आठ में आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, देखो आपकी बुक में आओ करे आठ है और इसमें इसने कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं, ये चित्र इनकी विशेषता बताना है कि पक्षी कैसे होते हैं। पहले में आपको चिड़िया दिखाई गई है, आपको वो देखना है कि वो पक्षी है वो कैसा होता है, क्या 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 उसकी विशेषता होगी पक्षी की, तो आपको उसके बारे में लिखना है। फिर इसी तरीके से फिर आपको मछली दिखाई गई है, तो इसके आपको पांच भाग दिखाए गए हैं, आपको वो करने हैं। उसके बाद आपका आता है सोचो और बताओ, सोचो और बताओ में इसने क्या कहा है आपको, कि सोचिए और बताइए कि आसमान में फिर से इंद्रधनुष ने क्या सोचा होगा, जब उसका घमंड था वो दूर हो गया था, इंद्रधनुष का घमंड था कि वो बहुत ही सुंदर है और वो अपनी सुंदरता के लिए किसको, बूंदों को नीचा दिखा रहा था कि तुम तो छोटी मोटी हो, अगर किसी के भी पैर के नीचे आ जाओगी तो कुचली जाओगी। तो इसमें आपको ये बताना है कि जब उस इंद्रधनुष है उसने क्या सोचा होगा, उसके बारे में फिर से निकल कर उसने दोबारा क्या महसूस किया होगा,
वो आप सबका आंसर उसमें अलग अलग हो सकता है, सबका उत्तर उसमें अलग अलग हो सकता है। तो ये आपको अपने तरीके से बताना है इसका उत्तर। उसके बाद बारिश के दौरान और बाद में आसपास के वातावरण में क्या अंतर था? अभी आप लोग देखोगे कि बारिश अब 2 दिन से हो रही है, तो आप इस वातावरण को आप आराम से आप अंतर निकाल सकते हो और इसमें आराम से अंतर बता सकते हो। तो आपको ये अंतर बताना है। उसके बाद है आपको सोचो और लिखो। आपको सोच कर लिखना है। आपको एक चित्र दिखाया गया है, उस चित्र में आपको क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको चित्र वर्णन समझाती हूँ। चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र का अर्थ होता है जब भी हमें कुछ भी चीज दिखाई जाती है, कोई भी हमें पिक्चर दिखाई जाती है। और वर्णन, देखो र की कौन सी मात्रा है ऊपर, जैसे हमारी य के ऊपर सूर्य में जब हमारी ऊपर मात्रा गई थी, सूर्य को हमने कैसे लिखा था, ऊपर मात्रा गई थी, उसी तरीके से वर्णन पर भी ऊपर है। तो चित्र वर्णन, अब चित्र वर्णन को समझिए। चित्र वर्णन क्या होता है? किसी भी पिक्चर को देखकर उसके बारे में लिखना। किसी भी चित्र को देखकर जब हम उसके बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है, हमारा चित्र वर्णन होता है। अब आपको इसने आओ करें 9 में इसमें आपको चित्र वर्णन करना है। आपको एक चित्र दिखाया गया है और आपको उस चित्र के बारे में लिखना है कि उस चित्र में आपको क्या बताया गया है। उसमें एक लड़का है, एक लड़की है, बच्चे पार्क में भी खेल रहे हैं, कुछ जीव जंतु भी नजर आ रहे हैं और बहुत तेज से बारिश आ रही है और वहां पर कोई घर भी नजर आ रहा है, आपको पेड़ भी नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, आपको अपनी समझ से लिखना है। इसमें जरूरी नहीं है जो एक बच्चे ने बताया हो दूसरे बच्चे ने भी वही सेम, इसमें भी आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सोच रहे हो। तो ये सब आपको अपने आप से इस पर 10 वाक्य लिखने हैं। उसके बाद इन्होंने आओ जुड़ो में आपको आओ जुड़े में इसने क्या कहा है, आपको इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है कि उसमें कौन कौन से रंग होते हैं। इंग्लिश में तो सबको पता है कि विबगोर होता है इसका, VIBGYOR। बट हिंदी में क्या होता है, ये बैंगनी होता है। ये कौन सा होता है हमारा, आई कौन सा होता है हमारा, इंडिगो होता है, मीन्स जामुनी होता है। बी हमारा कौन सा होता है, ब्लू होता है। जी ग्रीन होता है। और वाई येलो होता है। ओ हमारा ऑरेंज होता है। और आर हमारा रेड होता है, मीन्स हमारा लाल होता है। तो आपको ये इस तरीके से इन्होंने एक याद करने का तरीका बताया है कि हिंदी में इन्होंने आपको बताया है बेंजानी पीना लाल। तो वो एक छोटा सा तरीका है, जरूरी नहीं है आप अगर अपना कुछ और बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो कि इंद्रधनुष में सबसे पहले कौन सा रंग आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। तो इंद्रधनुष के हमेशा 7 रंग इसी क्रम में बनते हैं, ये नहीं होता कि उसके आगे पीछे हो जाते हैं, वो सबके अलग अलग वो इसी कलर में बनते हैं। तो ये इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम रखने के तरीके हैं। तो ये तो था आपकी पाठ्य पुस्तक। अब आपकी अभ्यास पुस्तक आती है। अभ्यास पुस्तक में आपका क्या है कि आप कहाँ तक कर चुके हो, मेरी बारी 2 तक कर चुके हो आप। आज आपको मेरी बारी 3 में आपको एक वर्ग पहेली दिखाई गई है। अभ्यास पुस्तक में है ये आपका।
अभ्यास पुस्तक में आपका मेरी बारी तीन दिखाया गया है। मेरी बारी तीन में आपको एक वर्ग पहेली दिखाई गई है। उस वर्ग पहेली में आपको ढूंढना है कि आपके विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। तो आपके विशेषण शब्द उसमें कौन कौन से हैं, क्या क्या हो सकते हैं। उसमें लंबा भी है, एक वर्ग बना हुआ है उसमें आप देखिए, उसमें लंबा भी बन रहा है, विशाल भी बन रहा है, इसी तरीके से दयालु भी है। तो आपको चौथा शब्द आपको खुद ढूंढना है। तीन में बता चुकी हूँ, चौथा आप खुद ढूंढोगे। आप उस वर्ग पहेली में मार्क करोगे कि ये कहाँ कहाँ है, और इसी तरीके से आप चौथा भी खुद देखोगे। फिर उसके बाद आता है आपका मेरी बारी चार। मेरी बारी चार में क्या है, आपको क्या करना है। मेरी बारी चार में आपको सोचो और लिखो करना है। आपको इसमें भी आपको एक चित्र दिखाया गया है, और उस चित्र को ये देखो, मेरी बारी चार आपके अभ्यास पुस्तक में दिखाया गया है। मेरी बारी चार इसमें आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं, और आपको क्या करना है, उन चित्रों को देखकर और फिर उसके बारे में लिखना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। जैसे आपने उसमें अभ्यास, जब हमारी पाठ्य पुस्तक थी उसमें लिखा था, उसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद आओ जुड़ो में आपको इंद्रधनुष बनाना है। आपको जो सातों रंग मैंने अभी अभी बताए थे आपको, वो सातों रंग बताने हैं। फिर आपको उसके बाद अभ्यास करो और निपुण बनो। इसमें मैं र के आपको सारे शब्द बता चुकी थी, र की मात्रा बता चुकी थी, आपको र का क्या होता है, कैसे उसका करना है। रू है तो रू का आप कैसे करोगे, रू वाला शब्द लिखना था आपको। र वाले शब्द में लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। जैसे इसने कहा, आज मयंक बहुत ही प्रसन्न है। आज मयंक बहुत, अब इसमें क्या है, आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपको इस तरीके से दिया है प्रसन्न, और दूसरा आपको दिया है प्रसन्न। तो कौन सा वाला ना, कौन सा वाला आएगा हमारा, ये वाला आएगा। इसमें बहुत ही खुश है वो, इसका अर्थ होता है बहुत ही खुश है। तो इस तरीके से आपको ये जो आपका अभ्यास करो और निपुण बनो है, आपको ये खुद पूरा करना है। क्योंकि जो अभ्यास पुस्तक है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दी गई है, कि आपको कौन सी चीज़ें कितना समझ में आई है, ये आपको खुद के करने के लिए होता है। इसमें हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पाठ्य पुस्तक अच्छे से समझ में आ गई, तो आप अभ्यास पुस्तक को बहुत ही आसानी से आप उसको पूरा कर सकते हो। तो ये था आज आपका इंद्रधनुष और बूंदे, आज आपका पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो जो हमारा डाउट सेशन रहेगा आप उसमें पूछ सकते हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।